हम इतिहास के संबंध में बातें करते हैं। आज फिर 9th क्लास के इतिहास और उसमें भी नाजीवाद और हिटलर के उत्कर्ष पे बातें करेंगे। हम देखेंगे कि हिटलर का उत्कर्ष कैसे हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ। तो आइए आज बात जर्मनी में नाजीवाद और हिटलर के उत्कर्ष के कारणों के बारे में। हिटलर जिसका जन्म 1889 में ऑस्ट्रिया में होता है और 27 वर्ष तक विपन्नता का जीवन जीने वाला व्यक्ति किस तरह जर्मनी का सर्वोच्च तानाशाह यानी फ्यूरर बन जाता है, इसके बारे में हम विस्तार से थोड़ा सा चर्चा करना चाहेंगे कि आखिर वो कौन सी परिस्थितियां थी जिन्होंने हिटलर को हिटलर बनने में मदद किया। तो इन परिस्थितियों को क्रमवार अगर हम देखते हैं तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात थी 1919 की वर्साय की अपमानजनक संधि। हम सब जानते हैं कि 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध होता है और उस विश्व युद्ध में जर्मनी जो धुरी राष्ट्र में एक था, धुरी राष्ट्रों में इटली, जर्मनी और जापान शामिल थे, तो धुरी राष्ट्र पराजित हुए, मित्र राष्ट्र उसमें सब जीते। जीतने के बाद जो संधि की गई, जिस संधि के अंतर्गत युद्ध विराम हुआ, उसमें सबसे महत्वपूर्ण थी 1919 की वर्साय की संधि। और इस संधि के मुताबिक जर्मनी के सभी उपनिवेश जर्मनी से छीन लिए गए, उसके साम्राज्य का 13% हिस्सा और आबादी का 10% हिस्सा उससे छीन लिया गया। लोहे की खानों का 75% और कोयले की खानों का 26% पोलैंड, डेनमार्क, बेल्जियम को दे दिया गया। एक नए पोलैंड राज्य की स्थापना की गई और पोलिश गलियारा, पोलिश कॉरिडोर जो फेमस है, यह बाल्टिक तट से पोलैंड को जोड़ने वाला एक कॉरिडोर था, एक महामार्ग था और ये जर्मनी के बीचों बीच से निकलता था। तो ये पोलिश गलियारा बनाया गया। 6 अरब पौंड की युद्ध क्षतिपूर्ति या हर्जाना निर्धारित किया गया, यानी 6 अरब पौंड जर्मनी को मित्र राष्ट्रों को देना था। इसकी नौसेना जब्त कर ली गई और सैनिकों की संख्या मात्र 1 लाख तक सीमित कर दी गई। सोचिए, जिस राष्ट्र के नस नस में सैनिकवाद भरा गया है, सैनिक प्रवृत्ति के वजह से ही जर्मनी का एकीकरण हुआ। बिस्मार्क ने जो लौह और रक्त की नीति के आधार पर इसका एकीकरण किया, या हिटलर ने जो सैनिक प्रवृत्ति को जन्म दिया, उस सेना की संख्या ही 1 लाख तक सीमित कर दी जाती है। और राइनलैंड का क्षेत्र जो खनिज संपदा से परिपूर्ण था, यह भी मित्र राष्ट्रों ने आपस में बांट लिया। जब जर्मनी हर्जाने की रकम चुकाने में विफल हुआ तो 1923 में उसके रूर प्रांत को, रूर का क्षेत्र जो है खनिज संपदा से बाहुल्य क्षेत्र है, इसको फ्रांस ने अपने कब्जे में ले लिया। अब इतना बड़ा अपमान कैसे बर्दाश्त करता है जर्मनी का स्वाभिमान? ये वैसे ही था जैसे किसी राष्ट्र के पीठ में छुरा भोंक दिया जाए। इसीलिए हिटलर ने बार बार इसे हाईवे रॉबरी कहा, यानी राजमार्ग की डकैती। चोरी और डकैती में अंतर समझ में आता है ना? चोरी छुप छुपा कर की जाती है और डकैती बलपूर्वक की जाती है, एकदम दिन के उजाले में की जाती है, शक्ति के बल पे छीना जाता है। तो इसे बार बार हाईवे रॉबरी कहा करता था हिटलर। और इससे वहां के जनता के बीच में जो एक अपमान का बोध था, उसको एक उद्वेग मिलता था। तो सच्चाई यही है कि 1919 की अपमानजनक वर्साय की संधि में ही हिटलर के उत्कर्ष के कारण निहित थे। और इस पे तो एक स्वतंत्र प्रश्न भी बनता है कि द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण वर्साय की संधि में ही कर दिया गया था। निश्चित रूप से युद्ध हुआ और उसके लिए जर्मनी को कसूरवार ठहराया जाना चाहिए, लेकिन जितना अपमानित किया गया उतना अपमान करना भी किसी स्वाभिमानी राष्ट्र के लिए ठीक नहीं माना जाना चाहिए। दूसरा जो कारण था वो है आर्थिक मंदी, ग्रेट डिप्रेशन। ग्रेट डिप्रेशन क्या होता है, आर्थिक मंदी क्या होती है? आर्थिक मंदी उस स्थिति को कहते हैं जहां आर्थिक स्थिति चरमरा जाती है, महंगाई चरम पे होती है, मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। अब सवाल ये है कि इसी समय की आर्थिक मंदी क्यों हम अध्ययन कर रहे हैं? तो निश्चित रूप से इस समय जो आर्थिक मंदी आई, उसने पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को प्रभावित किया।
इस समय मुद्रा स्फीति बढ़ गई। मुद्रा स्फीति क्या होती है इसको समझना जरूरी है। मूल्य स्तर में निरंतर बढ़ोतरी को मुद्रा स्फीति कहते हैं। मूल्य स्तर में क्या बढ़ोतरी है, सपोज कीजिए ये एक पेन 20 रुपए का है, अगर ये 25 रुपए का मिलने लगे तो इसका मूल्य स्तर बढ़ा कि नहीं। अगर 20 रुपए का पेन 100 रुपया में मिलने लगे तो 5 टाइम इसका कीमत बढ़ गया ना। अब ये कीमत का बढ़ना ही मुद्रा स्फीति अर्थशास्त्र की भाषा में कहलाता है, इन्फ्लेशन कहते हैं इसको। ये मुद्रा स्फीति इस हद तक बढ़ गई कि 1925 में $1 एक महासंघ के बराबर हो गया। गिनती तो गिनना आता ही है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार, लाख, दस लाख, करोड़, दस करोड़, अरब, दस अरब, खरब, इसके बाद पता नहीं और आगे कितना गिनेंगे तब जाके महासंघ आता है। इतना इसका अवमूल्यन हो गया। अब इसको समझिए कि अवमूल्यन से क्या असर पड़ेगा। अरे पहले $1 देकर एक पेन खरीदते थे, अब इसी पेन को खरीदने के लिए एक महासंघ मार्क देना पड़ेगा। मार्क क्या है, जर्मनी की मुद्रा है। अब हालत यह हो गई थी मुद्रा स्फीति के कारण, इन्फ्लेशन के कारण महंगाई इतनी बढ़ गई थी कि बड़ी गाड़ी में जर्मनी की मुद्रा लाद के ले जाना पड़ता था एक पाव रोटी खरीदने के लिए, पाव रोटी जो पेट की भूख मिटाती है। तो वाकई बड़ी व्यापक बुरी स्थिति थी। और ये 1929 की जो विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आई उसके कारण हिटलर के उदय में बड़ी सहायता मिली। जो 1929 की आर्थिक मंदी थी वह वॉल स्ट्रीट के कारण भी प्रभावित हुई। वॉल स्ट्रीट शेयर मार्केट को कहते हैं, अमेरिका के शेयर मार्केट को। जर्मनी युद्ध के बाद यानी प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जर्मनी में जो भी विकास कार्य हो रहे थे वह उधार पे होते थे। इन्वेस्टर कौन था, अमेरिका था। अमेरिका से पैसा आता था और उसी पैसे से विकास के कार्य होते थे। जब अमेरिका में ही स्थिति खराब हुई तो वहां के निवेशकों ने पैसा निकालना शुरू किया। अब किसी को कर्ज दिया गया है, कर्ज पे कोई जी रहा है और कर्जदाता उससे पैसा ले ले तो क्या होगा, स्थिति तो और भयावह हो जाएगी ना। हालत इतनी खराब हुई कि 1932 आते आते जर्मनी के इंडस्ट्रियल ग्रोथ में 40% की गिरावट आ गई। अब औद्योगिक उत्पादन कम होगा तो क्या होगा, लोग बेरोजगार होंगे, लोगों को खाने पीने की चीजें भी नहीं मिलेंगी, बेकारी इस हद तक बढ़ जाएगी कि सड़कों पे खड़े होके लोग गले में पट्टी बांध कर लिख कर और चिल्ला रहे होंगे कि मैं काम करने को तैयार हूं, मुझे कोई काम दे दे। इस हद तक वहां पे अव्यवस्था आ गई थी, आर्थिक स्थिति इस तरह डगमगा गई थी। तो इस आर्थिक मंदी ने हिटलर के उत्थान का मार्ग प्रशस्त किया, क्योंकि जितना ही दीन दरिद्रता आती गई हिटलर उतना ही जर्मन जनता के स्वाभिमान को जगाने में सफल हुआ और बार बार बताने लगा कि ये वाइमर गणतंत्र वाले जो है ना यही हमारे दुख दरिद्रता के कारक हैं, और इससे इसको अपार जन समर्थन मिलने लगा। अगला कारण है साम्यवाद का बढ़ता प्रभाव। साम्यवाद क्या होता है, समाजवाद का उत्कृष्ट रूप होता है। समाजवाद में जहां हर व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार काम करने की कहा जाता है और काम के अनुसार उसको पारिश्रमिक दिया जाता है यानी इनाम दिया जाता है। तो योग्यता के अनुसार काम और काम के अनुसार दाम, यही होता है समाजवाद में। योग्यता जितनी है, जैसे आप लेबर है तो लेबर का काम कीजिए और आपको तनख्वाह क्या मिलेगा तो लेबर वाला मिलेगा। साम्यवाद इससे उत्कृष्ट स्थिति है। साम्यवाद में क्या होता है, योग्यता के अनुसार काम कीजिए लेकिन दाम कितना मिलेगा, आवश्यकता के अनुसार। अब इस चीज को समझ लीजिए, जैसे एक लेबर है तो लेबर का काम करे और उस काम के लिए 100 रुपया मिलना है तो 100 रुपया दिया जाएगा, लेकिन अगर डॉक्टर है तो डॉक्टर का काम करे और उसको 50 रुपये की जरूरत है तो 85 रुपया दिया जाएगा। ये ज्यादा अच्छी स्थिति है। अब सवाल ये क्या ये व्यवहारिक है, बिल्कुल व्यवहारिक है। भारत के पारिवारिक संस्था में देखिएगा तो पहले वास्तव में साम्यवाद होता था, आज भी काफी हद तक है। घर में सभी लोग काम करते थे, अपनी योग्यता के अनुसार काम करते थे, अर्थोपार्जन करते थे और घर का जो मालिक होता था साधारणतः सबसे बड़ा आदमी जो होता था, तो वो आदमी
उस पैसे को कहां खर्च करता था, जिसको जिसकी जितनी जरूरत होती थी उतना देता था। यानी साम्यवाद भारत के पारिवारिक व्यवस्था का अंग रहा है और जहां भी ये रहेगा वो सर्वोत्कृष्ट स्थिति होगी, चाहे वो परिवार में हो या देश में हो। तो ये साम्यवाद है तो बहुत अच्छी चीज, बट वहां पे साम्यवाद का विरोध किया गया। अब क्यों किया गया ये जानिए। इसमें जो वाइमर रिपब्लिक एस्टेब्लिश किया गया प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में, वाइमर जो है ना, वेमर एक जगह का नाम है, वहां का एक प्रसिद्ध जगह है, इसी जगह पे समझौते की शर्तों पे हस्ताक्षर हुआ था, इसीलिए जो सरकार बनी उसको वेमर रिपब्लिक या वेमर गणतंत्र कहा गया। इसमें सोशल डेमोक्रेट्स का बोलबाला था, सोशल मतलब सामाजिक लोकतांत्रिक वर्ग के जो लोग थे, और ये लोग समाजवाद से प्रभावित थे। किससे? समाजवाद से, यानी मार्क्स से। और मार्क्स ने क्या कहा था, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, पाने के लिए पूरा संसार है और खोने के लिए सिर्फ पैर की पेड़ियां हैं। किसका आह्वान किया? रूस के मजदूरों का नहीं, किसी देश विशेष के मजदूरों का नहीं किया, पूरे दुनिया के मजदूरों का। यानी कि समाजवाद या साम्यवाद एक वैश्विक व्यवस्था की बात करता है, जबकि राष्ट्रवाद जो हिटलर द्वारा प्रचारित प्रसारित है, जर्मनी का राष्ट्रवाद, तो राष्ट्रवाद किसी राष्ट्र विशेष की बात करता है, और समाजवाद या साम्यवाद पूरे वर्ल्ड ऑर्डर की बात करता है। तो दोनों में कंट्रडिक्शन होगा कि नहीं? यही कारण है कि वेमर गणतंत्र का विरोध जबरदस्त किया गया, और साम्यवाद के बढ़ते प्रभाव से चिंतित वहां के लोगों ने हिटलर को भरपूर समर्थन दिया। अगला कारण, यहूदी विरोधी भावना। हम पहले ही बता चुके हैं कि जर्मनी का जो राष्ट्रवाद है वह यहूदी विरोध पे आधारित है, और वहां जो रेशियल हायरार्की थी, यानी प्रजातीय स्तरीकरण था, उसमें नॉर्डिक जर्मन को सबसे ऊंची प्रजाति माना गया और यहूदी को सबसे नीची प्रजाति माना गया। इसके संग कुछ और चीजें जोड़ी गई, जैसे ये कि इन्हीं के विश्वासघात के कारण जर्मनी प्रथम विश्व युद्ध हार गया था, ये कि यहूदी ब्याज पे पैसे देते हैं, मनी लेंडर होते हैं, और पैसा को ही ये भगवान मानते हैं, मनी इज गॉड फॉर जीविस, और ये हमेशा अपने चतुराई से समाज के बाकी लोगों के हिस्से का भी शोषण कर लेते हैं। तो जर्मनी में जितना दुख दरिद्र था वो सभी दुख दरिद्रता का कारण इन यहूदियों को माना गया, इन्हें धोखेबाज माना गया, और इस यहूदी विरोधी भावना को हिटलर ने खूब हवा दिया। तो ये भी हिटलर के उत्थान का एक कारक बना। अगला महत्वपूर्ण कारण है जर्मनी में अंतर्निहित सैनिक प्रवृत्ति। याद कीजिए, जर्मनी का एकीकरण 1871 में हुआ था, उसके पहले जर्मनी क्या था, टुकड़ों में बटा हुआ था। ये एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ, बिस्मार्क के नेतृत्व में, और किस सिद्धांत पे हुआ, आयरन एंड ब्लड की पॉलिसी पे, रक्त और लोहे की नीति से। बिस्मार्क क्या कहा करता था कि महत्वपूर्ण समस्याओं का समाधान बातचीत से नहीं, हथियारों की झंझनाहट से होता है। तो जहां की सोच इतनी अच्छी होगी वहां हिटलर नहीं तो क्या गांधी पैदा होंगे? हिटलर ने स्वयं सेवक दल बनाया था, और ये स्वयं सेवक दल नाम तो बड़ा सुंदर है लेकिन काम उतना ही घृणास्पद है। स्वयं सेवक दल सैनिक मनोवृत्ति का था और लोगों की हत्याएं करता था। किनकी हत्या करेगा? जो लोग हिटलर की पॉलिसी में विश्वास नहीं रखेंगे, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो डेमोक्रेट्स हो, चाहे वो सोशलिस्ट हो, जो भी होंगे उनको मारने में विश्वास रखता था। तो हिटलर ने स्वयं ही अपना स्वयं सेवक दल बना करके सैनिक मनोवृत्ति को बढ़ाने का प्रयास किया। अगला महत्वपूर्ण कारण है जर्मनी में गणतंत्र की विफलता। जो वेमर गणतंत्र की स्थापना हुई थी वह गणतंत्र की स्थापना एक बेबसी में हुई थी। वो बेबसी क्या थी? पराजित होने की बेबसी। जर्मनी हार गया था ना, तो हारा हुआ क्या करेगा, जो भी शर्त थोपी जाएगी उसको स्वीकार करेगा। अब पराजित होने के कारण एक तो इसकी छवि खराब थी, दूसरे आर्थिक स्थिति खराब थी, और तीसरे ये कि हिटलर जैसा ओजस्वी वक्ता सारे बुराइयों की जड़ इसी वेमर गणतंत्र को बताते रहता था। अब इन लोगों ने एक और गलती की,
गणतंत्र वालों ने, जो सोशल डेमोक्रेट्स थे, इन्होंने स्पार्टकस आंदोलन को दबाने के लिए प्रतिक्रियावादियों से समझौता कर लिया। ये स्पार्टकस आंदोलन क्या था? स्पार्टकस आंदोलन भी सोशलिस्ट मूवमेंट का ही एक पार्ट था, जो इस वेमर गणतंत्र के जो लीडर थे, जो सोशल डेमोक्रेट्स थे, इनकी सत्ता को समाप्त करना चाहता था और वहां पे समाजवादी ढंग की सरकार लाना चाहता था। तो प्रतिक्रियावादियों से समझौता करना अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने के समान था। अगला महत्वपूर्ण कारण जो है, हिटलर को सभी वर्गों का समर्थन। कौन वर्ग है? कुलीन वर्ग। कुलीन वर्ग क्यों समर्थन करेगा? इसलिए करेगा क्योंकि इसे रिपब्लिक होने से डर लगता है, यह गणतंत्र का विरोधी है, इसलिए भी करेगा। छात्र और युवा भी सपोर्ट करेंगे। क्यों करेंगे? इसलिए करेंगे क्योंकि हिटलर इनको नया सपना दिखा रहा है, एक स्वाभिमानी देश का सपना दिखा रहा है, एक उज्जवल भविष्य का सपना दिखा रहा है। तो युवा तो सपने में जीने वाला होता ही है, पूछ नहीं पाता है कि क्या ये जो सपना है हकीकत हो भी पाएगा। हो सकता है हकीकत में और बुरा हो, बट सपनों में मचलने वाला युवा वर्ग हिटलर के पीछे पीछे चलने को तैयार था। किसान भी इसके समर्थन में आ गए, क्योंकि मुद्रा स्फीति इतनी ज्यादा थी कि सबकी परेशानी थी और इस परेशानी का तारणहार कोई दिखता था तो वो हिटलर नजर आता था। निम्न मध्यम वर्ग और छोटी नौकरी वाले और छोटे व्यापारी, ये सबके सब हिटलर के सपोर्ट में थे। इसलिए थे क्योंकि आर्थिक स्थिति खराब थी, स्वाभिमान को चोट पहुंची थी और हिटलर इनको एक तारणहार दिख रहा था, एक ऐसा व्यक्ति दिख रहा था जो इन्हें खोए हुए गौरव को वापस दिला सकता था। और सर्वोपरि सारी परिस्थितियां हों तो भी कुछ नहीं हो सकता जब तक कि एक सशक्त दमदार आवाज न मिल जाए, खूब लच्छेदार भाषण देने की कला में माहिर व्यक्ति न मिल जाए। और ऐसा चमत्कारी व्यक्ति हिटलर था। हिटलर अपने ओजस्वी भाषण से लोगों को मंत्रमुग्ध कर लेता था, इतना अच्छा वक्ता था कि फिर पूछना ही क्या है। और इन सारी परिस्थितियों को एक साथ जोड़ करके इस वर्षाय की संधि करने वालों को नवंबर क्रिमिनल्स कहता था, क्योंकि नवंबर के महीने में ही संधि हुई थी, इसलिए क्या शब्द यूज किया? नवंबर क्रिमिनल्स। हम बताना चाहते हैं कि जब संधि हो रही थी तो उस समय हिटलर हॉस्पिटल में भर्ती था। 1914 में जब युद्ध शुरू हुआ वर्ल्ड वार, तो उस समय हिटलर सैनिक के रूप में सेना में शामिल हो गया था और उसमें घायल हो गया था, और घायल होने के बाद उसका इलाज चल रहा था। जब उसने सुना कि इतनी अपमानजनक संधि हुई है वर्साय की, तो वहीं पे चीख उठा था और उन संधिकर्ताओं को नवंबर क्रिमिनल्स कहता था। और अपने हर भाषण में वर्साय के संधि पत्रों को फाड़ डालने का आह्वान करता था। अब इन सारी परिस्थितियों को समेकित करके हिटलर ने अपने व्यक्तित्व के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार, वहाँ पे अपने लिए एक परिस्थिति का निर्माण किया, और वही परिस्थिति हिटलर के उत्कर्ष का कारण बनी। तो आज मैं समझता हूँ कि हिटलर के उत्कर्ष के कारण को हम लोग समझ चुके होंगे कि किन परिस्थितियों में हिटलर का उत्कर्ष हुआ, जर्मनी में वो कौन सी परिस्थितियाँ थीं जिन्होंने हिटलर को आगे बढ़ने में मदद की। बहुत बहुत धन्यवाद।